उबलता हुआ पानी थोड़ा ठंडा हो चुका था और थोड़ा इसलिए मैं गर्म पानी डाल रहा हूँ ताकि इसका जो है धुआं हम लोगों को देखने के लिए मेरे वीडियो में एटलीस्ट। देखिए यहाँ पर धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने की वजह से वो टर्टल जो है उसको कंज्यूम करेगा, फिर उसके थ्रू से उसकी जो सांस लेने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। वो इसके अंदर जो है 5 से 7 मिनट तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। 5 से 7 मिनट रख के फिर निकाल देना है, ये पानी को फेंक देना है। इस तरह हफ्ते में 3 बार मतलब एवरी 2 डेज में रिपीट करना है। तो सेकेंड रहा ये ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट कब करना है? जब आपके टर्टल्स को जो है नाक में से बबल्स आ रहे हैं या मुंह में से बबल्स आ रहे हैं, तब क्या इसमें क्या करना है, आपको ऑक्सीजन सप्लाई देना है। अभी मैं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दिया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अगर इन्फेक्शन आपके टर्टल्स को आया हुआ है जिसकी वजह से आपके टर्टल जो है प्रॉपर स्विम नहीं कर पा रहे, टिल्ट होकर इस तरह स्ट्राइट स्विम करने के बजाय इस तरह टूवर्ड्स जो है 40 डिग्री से स्विम करता है या एक ही जगह बैठ जाता है, पानी के अंदर जाना बंद कर दिया बिल्कुल, खाना बिल्कुल बंद कर दिया, आंख जो है उसकी सूख चुकी है, फू या मोटी हो गई है, या उसकी बॉडी के स्किन से कहीं से मोटा जैसा निकल जा रहा है जिसे ट्यूमर कहते हैं, या बाहर जो है सांस निकाल कर जिसे गर्दन लंबी करके सांस ले रहा है मुँह से, नाक के बजाय मुँह से सांस ले रहा है, या नाक से बबल्स आ रहे हैं या मुँह से बबल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं, जिसे ओवरऑल हम मोटी मोटी जुबान में कहें तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। 2 तरीके हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट है, एक स्टीम बाथ ट्रीटमेंट है। तो चलिए फटाफट किसी टाइम वेस्ट किए कि इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास कुछ भी डाउट है स्टार्ट करने से पहले तो उसको आप मुझे पूछ लेना। सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके टर्टल्स को इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आप फर्स्ट आपके वेट डॉक्टर को जो आपके एरिया में जाकर वहाँ ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि वो जो है नोज़ को ड्रॉप्स डालेंगे या इंजेक्शन के थ्रू से आपको ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपके एरिया में वेट डॉक्टर नहीं है, वेटनरी डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे ही इस वीडियो को फॉलोअप करना है। अगर आपके एरिया में वेट डॉक्टर अवेलेबल है या कोई भी जो जानवर को देखते हैं उनको ही आपको मैं फर्स्ट रिकमेंड करूँ, उनको जाकर दिखाओ। अगर आपके एरिया में कोई भी वेट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तब जाकर इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं भी 5 साल से टर्टल्स को रख रहा हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को मैं फेस करता हूँ, जिस तरह मैंने अपने टर्टल्स को ट्रीटमेंट किया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी कभी एक्सपीरियंस भी गलत हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वेट डॉक्टर को दिखाओ। अगर वेट डॉक्टर नहीं है तो इस वीडियो को फॉलो करो। तो चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं मेरे पास, एक टैंक है, ये छोटा टैंक है, आई नो मेरे पास यही अवेलेबल था अभी फिलहाल इसलिए रहा, वरना आपके पास बड़ी टैंक है तो बड़ी टैंक ले लेना। और उसके साथ मेरे पास टैबलेट्स हैं जिसे मोक्स 250 कहते हैं या मेट्रोजेल कहते हैं, मैं स्क्रीन पे इसका फ़ोटो जो है डाल रहा हूँ वो देख लेना। ये 40 रुपये शीट का आता है, ये 20 रुपये शीट का आता है, ये जो इंसान इस्तेमाल करते हैं वही टैबलेट को इस्तेमाल करना है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये कब इस्तेमाल करना है, जबकि आपके टर्टल्स नाक में से बबल छोड़ रहे हैं, आँखों में से या पानी आ रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, मुँह से बबल छोड़ रहे हैं, तब जाकर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, वो आपको दिखाऊंगा। अगर आपके इसमें नाक में से बबल्स नहीं छोड़ रहा है, मुँह में से जो है बबल नहीं छोड़ रहा है, उस टाइम पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर स्टीम बाथ इस्तेमाल करना है। स्टीम बाथ जो है बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल जो है इलाज है इंसानों के लिए, जानदार के लिए, वो आज हम दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं छोटा टर्टल लेता हूँ ताकि मेरे पास टब जो है छोटा है, इसलिए मैं छोटा टर्टल लेकर आपको दिखाऊंगा किस तरह ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने एक टब लिया है, उसके अंदर टर्टल को डाल देना है और एक छोटा टब लेना है, उसमें रख के गर्म पानी डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं गर्म पानी ले रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखो, जब आप गर्म पानी ले रहे हो आपके टर्टल के ऊपर थोड़ा भी गिर गया तो आपका टर्टल मर सकता है, इसलिए ध्यान रखो कि आपके टर्टल के ऊपर ना गिरे। अभी उसके अंदर विक्स डाल देना है, यहाँ पर देखिए 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी हो सके डालकर इसको पानी में घोल देना है, उबलते हुए पानी में डालना है, इस तरह घोल देना है अच्छे से। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम ले लोगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, फिर इसका पावर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। देखिए टर्टल मैंने रख लिया है टब के अंदर, एक कोने में मैंने पानी रख दिया है, ध्यान रहे कि पानी इसके ऊपर ना गिरे, गर्म पानी की वजह से टर्टल्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इसके ऊपर आपको एक गिलास कवर कर देना है या कार्डबोर्ड इस्तेमाल करना है, कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, कपड़े का इस्तेमाल करोगे तो जो है वो बाहर आ जाएगी, स्टीम है इसलिए गिलास का इस्तेमाल करना है या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करना है। अभी 5 मिनट वेट करते हैं। देखिए अभी इसमें से स्टीम आ रहा है, यहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, अभी टर्टल जो है इसे सांस लेगा, अपने मुंह से ही सांस लेगा, इसकी वजह से उसके नाक में से जो ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो सांस लेने में दिक्कत है वो थोड़ी सही हो जाएगा। ये अभी मैं निकाल रहा हूँ मेरे टर्टल्स को, क्योंकि मेरे टर्टल्स काफ़ी हेल्थी है, मैं नहीं चाहता उसको फिर दोबारा प्रॉब्लम हो जाए। तो ये एक ट्रीटमेंट होगा जिससे आपको
कर सकते हैं। ये हफ्ते में 3 बार करना है, हर 2 दिन में इस तरह आपको रखना है टर्टल को। इसके अंदर जो है 5 से 7 मिनट तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। 5 से 7 मिनट रख के फिर निकाल देना, ये पानी को फेंक देना है। इस तरह हफ्ते में 3 बार, मतलब एवरी 2 डेज में रिपीट करना है। तो सेकेंड रहा ये ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट कब करना है? जब आपके टर्टल्स को जो है नाक में से बबल्स आ रहे हैं या मुँह में से बबल्स आ रहे हैं, तब क्या करना है? जो पानी लेना है इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि आपके टर्टल को प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है। अगर ठंडा पानी में डालोगे तो और भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप चाहे तो गर्म पानी भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह। ज़्यादा गर्म भी होना नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तब भी दिक्कत होगा। या आप हीटर डाल के इसको एक टेम्परेचर सेट करके 4-5 घंटे हीटर चला के आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर मोक्स 250 या जो मैंने मेडिसिन बताया, टैबलेट बताया, वो टैबलेट दो में से एक, दोनों भी नहीं डालना, दो में से एक टैबलेट जो है निकाल के इस तरह डाल देना है। पानी में डाल दो, घुल जाएगा। या आप सिर्फ इस तरह भी डाल सकते हो, ये देखो इस तरह हो गया। अभी टर्टल को इसके अंदर रखना है इस तरह, इसमें 5 से 10 मिनट रखना है। इसमें क्या करना है आपको? ऑक्सीजन सप्लाई देना है। अभी मैं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा टर्टल काफ़ी अच्छा हेल्थी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ऑक्सीजन सप्लाई देना है अगर आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो। ऑक्सीजन सप्लाई देकर 5 मिनट इस तरह रखना है, 5 से 7 मिनट। आपका टर्टल जो है आराम से इसमें स्विम करेगा। इसके अंदर जो मेडिसिन है उसके बॉडी के, उसके सांस के थ्रू से, पानी के थ्रू से अंदर जाएगा। 5 मिनट के बाद इसको निकाल के बाहर रख देना है। बाद इसमें रखकर ड्राई एरिया में 1/2 घंटे के लिए रख दो। फिर इसी तरह हर 2 दिन में एक बार ट्रीटमेंट करना है। हफ्ते में ये भी 3 बार करना है, या ये दोनों में से एक करना है। दो भी मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों में से एक करना है। तो इस तरह आप अपने टर्टल्स की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। और साथ में कैरोट का वाटर भी सोक कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिप चला रहा हूँ। इस तरह आप ये ट्रीटमेंट, दोनों में से एक ट्रीटमेंट करने के बाद आप 5 से 10 मिनट जो है टर्टल का पानी में भी सोक करके रख सकते हो। इससे और भी ज़्यादा हेल्प होगा ताकि फास्ट रिकवरी हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपको डाउट्स है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। इंस्टाग्राम में फॉलो करके SayashaH500 इंस्टाग्राम में सेम आईडी से हूँ, वहाँ पर मुझे फॉलो करके पूछ लेना, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हैप्पी टर्टल्स कीपिंग। ओके, बाय।